हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डेट इक्विटी रेशियो का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इन सारी ट्रांजैक्शन का हमें इफेक्ट देखना होगा कि इन सारी ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारा रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज। कंपनी का बाय डिफॉल्ट रेशियो हमको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2:1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंटिंग रेशोस की एक प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसमें से आप बाकी के टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। जैसे कि कंपनी का रेशो गिवन है 2:1, तो बाय डिफॉल्ट ये कह सकते हैं हम कि डेट हमारे पास 2 लाख है और इक्विटी हमारे पास 1 लाख, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास रेशो क्या बनेगा, 2:1। अब हमको क्या करना है, इन सारी ट्रांजैक्शंस को एक एक करके चेक करना होगा कि इन ट्रांजैक्शंस की वजह से रेशो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश। कंपनी ने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं कैश के बदले। अब कंपनी के पास कैश भी आ गया और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। कैश जो कि करंट एसेट्स का पार्ट है, करंट एसेट्स हमारे पास इस टॉपिक में नहीं है, पर प्रेफरेंस शेयर्स हमने जैसे ही इशू किए हैं तो डेफिनेटली हमारी इक्विटी का पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू किए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं अब 2 लाख को 3 लाख से डिवाइड करूं तो रेशो हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। यस, क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वजह से डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, पर हमारा इक्विटी इंक्रीज हो गया। अब क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली हमारा रेशो कम हो जाएगा। आप 2 लाख को 3 लाख से डिवाइड करके देख लीजिए, रेशो हमारा कम हो जाएगा। तो ये था हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी ने क्या किया है, एक फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है, जिससे हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की उसको मैंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। डेफिनेटली हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स इंक्रीज हुए हैं, इक्विटी हमारी इंक्रीज हुई है, जबकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। सिर्फ इफेक्ट कहां पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पर। तो हम सेम इफेक्ट मानकर चल सकते हैं, तो सेकंड ट्रांजैक्शन की वजह से भी हमारा रेशो रिड्यूस होने वाला है, कम होने वाला है। तो चलते हैं अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन की ओर, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कंपनी ने क्या किया है, खुद के शेयर्स वापस खरीद लिए हैं। अब सोचकर देखिए कि हमने जब शेयर्स वापस खरीद लिए होंगे तो क्या होगा, हमारे शेयर्स जो हमने सेल कर रखे थे उन लोगों को हमने पेमेंट कर दी होगी, तो डेफिनेटली हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आ गया होगा, कैपिटल हमारी कम हो गई होगी। तो 1 लाख की बजाय अगर मैं यहां पे 50,000 रुपए रख दूं तो रेशो हमारा क्या हो जाएगा, 4:1। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रेशो इंक्रीज हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, कंपनी ने अपने शेयर्स खरीद लिए हैं, ऐसा समझ लो कि हमने शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी है। अब मान लो पहले 1 लाख थे, अब हमने मान लो 50,000 की पेमेंट्स कर दी, तो यहां से 50,000 कम हो गए, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, रेशो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप कर करके ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अमाउंट लेकर चेक करके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने यहां पर क्या रखने के लिए बोला है, 50,000, तो आप एक बार पुट करके देख लीजिए तो रेशो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रेशो इंक्रीज होने वाला है। देखते हैं अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास कैश आ गया होगा और हमारा जो डेट वाला पार्ट है ये इंक्रीज हो जाएगा।
इस ट्रांजैक्शन की वजह से एक तो करंट एसेट्स पे इफेक्ट आएगा, दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, हमारा डेट वाले पार्ट पर। अब करंट एसेट्स हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, इफेक्ट कहां पर आया, डेट, डेट वाला पार्ट हमारा इंक्रीज हो गया। मान लीजिए यहां पर 2 लाख प्लस हमने 2 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए, अब 2 लाख तो पहले ही है हमारे पास, 2 लाख के डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए, तो यहां पर कितना हो गया, 4 लाख। अब 4 लाख को मुझे अगर 1 लाख से डिवाइड करना है, रेशो मेरा इंक्रीज होने वाला है। कहने का क्या मतलब है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रेशो इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैंने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करनी थी, इसीलिए मैंने क्या किया, डिबेंचर्स इशू कर दिए, कोई बात नहीं। अब फिक्स्ड एसेट्स का हमारा इस क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंक्रीज क्या हो जाएगा, डेट। तो डेट 2 लाख प्लस 2 लाख हमने मान लो और इशू कर दिए, तो 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, और फिर से आप 1 लाख से डिवाइड करके देख लीजिए, रेशियो हमारा इंक्रीज होने वाला है। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से डेट के ऊपर इफेक्ट आएगा, इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। इसीलिए आप देख लेना कि जैसे ही मैंने सिर्फ डेट को इंक्रीज किया है, रेशो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कन्वर्जन डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने क्या किया है, अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप सोचकर देखिए, डिबेंचर्स मान लो यहां से कम हो गए और यहां पर आकर ऐड हो गए, तो यहां पर क्या होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, रेशो हमारा क्या आ जाएगा, 0.5:1। बाय डिफॉल्ट रेशो क्या था, 2:1। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रेशो रिड्यूस होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। डेट कम, इक्विटी हमारी इंक्रीज हो गई, 1 लाख कम और 1 लाख इंक्रीज। अमाउंट आप कुछ भी लेकर देख लीजिए, रेशो इस ट्रांजैक्शन की वजह से डेफिनेटली कम होने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट पार। ये 3 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एट पार वाला, फिर हमको एट प्रॉफिट डिस्कस करना है, फिर हमको एट लॉस डिस्कस करना है। मान लीजिए मैंने एक फिक्स्ड एसेट सेल की है, जितने की थी मैंने उतने में ही सेल कर दी। मान लीजिए फिक्स्ड एसेट थी 10 लाख रुपए की और मैंने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में ही सेल कर दी, तो इस 10 लाख की प्रॉपर्टी को अगर मैं 10 लाख में सेल करता हूं तो मुझे ना फायदा ना मुझे नुकसान। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से ना तो डेट के ऊपर कोई इफेक्ट है ना इक्विटी पे कोई इफेक्ट। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर मैं 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर 10 लाख में सेल कर देता हूं तो रेशो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। पर अगर मैं 10 लाख की प्रॉपर्टी 12 लाख में सेल कर देता हूं तो डेफिनेटली मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। अब 2 लाख का प्रॉफिट किसका है, शेयर होल्डर्स का। तो जब जब प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट किसका हिस्सा बनता है, रिजर्व एंड सरप्लसेस का। और रिजर्व एंड सरप्लसेस कहां पे आते हैं, इक्विटी के अंडर में आते हैं। तो मतलब कहने का क्या है, जैसे ही हमें 2 लाख का प्रॉफिट होगा हमको इक्विटी के अंदर ऐड करना होगा। तो आप सोचकर देखिए, हमारे पास ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है पर नीचे क्या होगा, 1 लाख के अंदर मान लो मैंने 2 लाख का प्रॉफिट ऐड कर दिया तो हमारा रेशो कम होने वाला है। मतलब अगर मुझे प्रॉपर्टी को सेल करने से प्रॉफिट होता है तो इस वजह से मेरा रेशो गिर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी लॉस में सेल कर दी, मैंने सेल किया है 9.5 लाख में, लॉस कितना हो गया मुझे, 50,000 रुपए का लॉस। अब लॉस का क्या इफेक्ट होगा, इक्विटी हमारी कम हो जाएगी। तो मान लो 1 लाख ऑलरेडी हमारे पास था, 50,000 अगर मैं कम कर दूं तो यहां पर अमाउंट कितना रह जाएगा, सिर्फ 50,000 रह जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, 4:1। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे ही हमें किसी प्रॉपर्टी को बेचने के ऊपर लॉस होता है तो लॉस की वजह से इक्विटी कम हो जाएगी, जबकि डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है पर लॉस के चक्कर में हमारा रेशो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर कोई प्रॉपर्टी हमने
जितने की थी उतने में सेल कर दी तो कोई इफेक्ट नहीं, प्रॉफिट में सेल की रेशो गिर जाएगा, अगर मैंने लॉस में सेल की तो रेशो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज्यादा होना कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, ये बातें मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में बताई हैं। हम मतलब रिस्क में हैं, हम मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की आसानी से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब जब कंपनी का रेशो 2:1 से ज्यादा होता है तो हमारे लिए खतरा शुरू हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन ए क्रेडिट ऑफ 2 months। मैंने एक फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है पर मैंने सामने वाले को बोला है कि मैं तुम्हें पेमेंट 2 महीने में कर दूंगा। फिक्स्ड एसेट्स मैंने खरीदी, पेमेंट मुझे 2 महीने में करनी है। इस ट्रांजेक्शन की वजह से एक तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स इफेक्ट हुआ, दूसरी मेरी करंट लाइबिलिटीज इफेक्ट हुई, क्योंकि मैंने जिसको पेमेंट करनी है उसको मैंने छोटे वक्त में ही पेमेंट करनी है। अब छोटे वक्त में अगर मुझे लोगों को पेमेंट करनी होती है तो वो क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से एक तो फिक्स एसेट्स इफेक्ट हो रही है, दूसरा करंट लाइबिलिटीज इफेक्ट हो रहा है। अब इन दोनों बातों का इस क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इस ट्रांजेक्शन का हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी ने क्या किया है, बोनस शेयर्स इशू किए हैं। बोनस शेयर्स हम किसको इशू करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं। जब जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो रिजर्व एंड सरप्लसेस का अमाउंट कम हो जाता है, इक्विटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब सोचकर देखिए, इक्विटी के अंदर ही रिजर्व एंड सरप्लसेस आते हैं, इक्विटी के अंदर ही इक्विटी शेयर्स आने हैं। तो मैंने क्या किया है, मेरे पहले वाले शेयर होल्डर्स को मैंने बोनस शेयर दिए हैं, जिसके बदले में मैंने उनसे पैसे भी नहीं लेने। बोनस शेयर का मतलब यही होता है कि हम उनसे विदाउट कंसिडरेशन उनको इशू कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लसेस के 50,000 रुपए को यूज किया और मैंने उनको इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो यहां से रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया, यहां पर इक्विटी शेयर इंक्रीज हो गई। सोचकर देखिए, इक्विटी के अंदर ही रिजर्व एंड सरप्लस मैंने 50,000 कम किए, वापस मैंने इक्विटी शेयर इसके अंदर ऐड कर दिए, तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब बोनस शेयर इशू करने की वजह से क्या इक्विटी पे कोई इफेक्ट आया, नहीं आया। कहने का क्या मतलब है, बोनस शेयर जब जब हम इशू करते हैं तो कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशो होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। मैं एक बात आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि हमारा रिजर्व एंड सरप्लसेस और जो शेयर्स का हिस्सा होता है ये दोनों टॉपिक इक्विटी के अंडर में आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लसेस कम हो गए और इधर से शेयर्स इंक्रीज हो गए, तो जितना अमाउंट कम हुआ उतना ही वापस ऐड हो गया, तो रेशो हमारा एज इट इज रहने वाला है, जो कि पहले भी 2:1 है अभी भी 2:1 ही रहेगा। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।